नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गंगा कावेरी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि हफ्ते में दो दिन छपरा जंक्शन बिहार से चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु के बीच में चलती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गंगा कावेरी एक्सप्रेस के बारे में। गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है छपरा जंक्शन बिहार से MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच में चलती है, हफ्ते में दो दिन चलती है। छपरा जंक्शन बिहार से हर सोमवार और बुधवार को ये ट्रेन जो है चेन्नई सेंट्रल के लिए रवाना होती है और 39 आवर्स 10 मिनट्स में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। और इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं और छपरा से चेन्नई तक जो दूरी है 2335 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर करती है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है तो एवरेज स्पीड है इस रूट पर वो है 60 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का नंबर है जो कि छपरा से चेन्नई तक चलती है वो है 126/70। ICF कोचेस वाली ट्रेन है। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो अभी आपके सामने रूट मैप है। ये जो ट्रेन है छपरा जंक्शन बिहार से चलती है, बाद में बलिया उत्तर प्रदेश, वाराणसी, प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश होते हुए यह मध्य प्रदेश के सतना, जबलपुर, बैतूल होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर, बलहरशाह जंक्शन, फिर तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के थ्रू ये चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो गंगा कावेरी एक्सप्रेस का जो मैं टिकट किराया बताऊंगा वो छपरा जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो गंगा कावेरी एक्सप्रेस में एक फर्स्ट एसी का कोच है जिसका छपरा से चेन्नई तक का टोटल किराया है 5460 रुपये, जिसमें 5065 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 260 रुपये है, टोटल किराया 5460 रुपये है। इसके अलावा गंगा कावेरी एक्सप्रेस में सेकंड एसी के कोच भी हैं जिसका छपरा से चेन्नई तक का टोटल किराया है 3200 रुपये, जिसमें 2952 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 153 रुपये है, टोटल किराया 3200 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा थर्ड एसी के कोच भी हैं जिसका टोटल किराया जो बनता है वो है 2205 रुपये, जिसमें 2015 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 105 रुपये है, टोटल किराया 2205 रुपये बनता है थर्ड एसी का छपरा से चेन्नई तक का। इसके अलावा गंगा कावेरी एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं जिसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता, जिसका छपरा से चेन्नई तक का टोटल किराया है 850 रुपये, जिसमें 800 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है, टोटल किराया 850 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड क्लास यानी कि जनरल डिब्बे भी हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा, जिसका छपरा से चेन्नई तक का जनरल डिब्बों का रिजर्वेशन के साथ किराया है 525 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 495 रुपये, 15 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये है, टोटल किराया 525 रुपये बनता है। यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, पेंट्री कार कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही डायरेक्टली जो है फूड जो है परचेज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे छपरा से चेन्नई सेंटर तक गंगा कावेरी एक्सप्रेस के कौन कौन से स्टेशन आते हैं और उन स्टेशन पर इस ट्रेन का क्या स्टॉप है। गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो कि छपरा जंक्शन बिहार से हर सोमवार और बुधवार को रात को 9 बजे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और तकरीबन 39 आवर्स 10 मिनट्स बाद ये ट्रेन जो है चेन्नई सेंटर में पहुंचती है और 2335 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है बलिया उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 10:05 पर पहुंचती है और 10:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है, 66 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सिटी में पहुंचती है रात के 11:15 पर और 11:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 131 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। गाजीपुर सिटी का स्टेशन कोड है GCT और इसके बाद यह ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन में पहुंचती है रात के 1:10 पे और 1:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 205 किलोमीटर की दूरी जो है ये छपरा से वाराणसी जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। वाराणसी जंक्शन का स्टेशन कोड है BSB। इसके बाद ये ट्रेन जो है भदोही रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 1:56 पे पहुंचती है और 1:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद
गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है भदोही के बाद उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन प्रयागराज जंक्शन में पहुंचती है सुबह 4:05 पे और 4:30 पे सुबह वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है, 9 या 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। यहां पर इसका इंजन रिवर्स होता है और इंजन चेंज भी होता है और यहां पर ये काफ़ी ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 340 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मध्य प्रदेश के पहले स्टेशन सतना जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 7:05 पे पहुंचती है और 7:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 517 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है कटनी जंक्शन में पहुंचती है, यहाँ पर सुबह 8:30 पे पहुंचती है गंगा कावेरी एक्सप्रेस और 8:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 614 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जबलपुर जंक्शन मध्य प्रदेश में सुबह 10:10 पे पहुंचती है और 10:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और यहाँ पर कुछ ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। 706 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पिपरिया रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में दोपहर के 12:13 पे पहुंचती है और 12:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 884 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पिपरिया का रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है PPI और इसके बाद यह ट्रेन जो है गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है इटारसी जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 1:25 पे और 1:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 951 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है ET और यहाँ पर कुछ ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद बैतूल मध्य प्रदेश में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:08 पे पहुंचती है और 3:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1058 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र का जो पहला स्टेशन है यहाँ पर शाम के 6:15 पे पहुंचती है और 6:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1248 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। महाराष्ट्र के सेवाग्राम जंक्शन में यह ट्रेन जो है रात के 7:18 पे पहुंचती है और 7:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1324 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है चंद्रपुर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में रात के 9:05 पे पहुंचती है और 9:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1443 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। महाराष्ट्र इसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है छपरा से चलकर महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन बल्हरशाह जंक्शन में पहुंचती है रात के 10:10 पे और 10:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1456 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BPQ और इसके बाद यह ट्रेन जो है तेलंगाना के श्रीपुर कागज नगर में पहुंचती है रात के 10:58 पे और 11 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1526 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। वारंगल रेलवे स्टेशन तेलंगाना में रात के 1:23 पे पहुंचती है और 1:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1701 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। वारंगल रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है WL और यहां पर मछलीपट्टनम बिदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद खम्मम रेलवे स्टेशन तेलंगाना का जो आखिरी स्टेशन है यहाँ पर रात के 3:04 पे पहुंचती है और 3:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1806 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खम्मम रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है विजयवाड़ा जंक्शन में पहुंचती है। विजयवाड़ा जंक्शन में सुबह 5:15 पे पहुंचती है और 5:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 1905 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ऑन गोल आंध्र प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 7:13 पे पहुंचती है और 7:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2043 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है वो गुडूर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:43 पे और 9:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है,
एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2200 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो कि छपरा से चलकर चेन्नई सेंट्रल में पहुंचती है, वो अपने आखिरी स्टेशन MGR चेन्नई सेंट्रल में दोपहर के 12:10 पे पहुंचती है और 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। छपरा जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल की जो दूरी है ये ट्रेन जो है 2335 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।